नमस्कार, मैं हूं चमखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस की तैयारी, 12 अगस्त को कलेक्टर को देंगे ज्ञापन। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मनाया क्रांति दिवस, कहा देश की आजादी गांधी के संघर्ष के दिन। फोन पर पूछा एटीएम का कोड नंबर, निकाल लिए 27,000 रुपए। युवाओं और महिलाओं के लिए वरदान है आरसीटी, कार्यक्रम में बोले विधायक डॉक्टर राम प्रताप। अब समाचार विस्तार से। नगर परिषद चुनाव को देखते हुए कांग्रेस की सक्रियता तेज हो गई है। भाजपा सरकारों की लोकप्रियता का ग्राफ कम होने से कांग्रेसी खेमे में उत्साह है। डीसीसी की बैठक में जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने कहा कि भाजपा सरकारों से जनता तंग आने लगी है, ऐसे में कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। उन्होंने 12 अगस्त को हनुमानगढ़ में जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने की घोषणा की है। कांग्रेस देहात और शहर ब्लॉक कमेटियों की संयुक्त मीटिंग डीसीसी कार्यालय में हुई। इसमें राज्य सरकार की नीतियों का विरोध किया गया। जिलाध्यक्ष सुरेंद्र धात्री, उपाध्यक्ष दयाराम जाखड़, प्रवक्ता तरुण विजय, मनोज सैनी, गुरमीत सिंह और राजेंद्र बैद आदि ने कहा कि भाजपा ने जनता को गुमराह किया है। चुनाव से पूर्व अच्छे दिन लाने का झांसा दिया और अब हालात बिगड़ गए हैं। झूठ की बुनियाद पर टिकी है मोदी सरकार, जिससे जनता तंग आ चुकी है। राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए दादरी ने कहा कि गहलोत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने की तैयारी चल रही है, जिसका डटकर विरोध किया जाएगा। उन्होंने किसी भी सूरत में उन्हें बंद नहीं होने देने की बात कही। दादरी ने कहा कि 12 अगस्त को सुबह 10:30 बजे कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय में एकत्रित होंगे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। शहर और देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की मासिक बैठक भी थी। आज की इस बैठक में उपस्थित कांग्रेस जनों में इस बात को लेकर काफ़ी आक्रोश था कि जब से भाजपा सरकार आई है, बड़ी ही संशय की स्थिति और लोग बड़े दुविधा में हैं कि एक तो जैसा अभी ताज़ा प्रकरण मानगढ़ में चल रहा है, ये कब्जे तोड़ रहे हैं, किले के आसपास लोग आज़ादी से पहले के बसे हुए हैं, उनका भी ये 100 और 200 मीटर के नाम पे जो है उन लोगों को उजाड़ने पे तुले हुए हैं, और अन्य जो योजनाएं पिछली कांग्रेस सरकार ने शुरू की थी उनमें सब योजनाओं में सब्सिडी में कटौती कर दी। खाद्य सुरक्षा योजना में गेहूं 25 किलो की जगह 5 किलो पर पर्सन कर दिया, 1 रुपये किलो की गेहूं को 2 रुपये किलो कर दिया। इन सभी बातों को लेकर कांग्रेस जनों में काफ़ी आक्रोश था और जनता में भारी आक्रोश है। तो उसके लिए आज इस मीटिंग के अंदर ये निर्णय लिया गया कि 12 अगस्त मंगलवार को 10:30 बजे अमन मानगढ़ क्षेत्र के सभी कांग्रेस जन जिला कलेक्ट्रेट के सामने एकत्रित होंगे और उन समस्याओं को लेकर कलेक्टर को एक ज्ञापन देंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शनिवार को डीसीसी कार्यालय में क्रांति दिवस मनाया। 9 अगस्त को ही गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज हुआ था। आज हुए कार्यक्रम में शिक्षाविद डॉक्टर विद्यासागर शर्मा ने देश की आजादी में महात्मा गांधी की भूमिका को रेखांकित किया। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। उस दिन को क्रांति दिवस के रूप में स्वीकार किया गया। आज भी 9 अगस्त को खासकर याद किया जाता है। डीसीसी कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 9 अगस्त के महत्व को समझा। जाने माने शिक्षाविद डॉक्टर विद्यासागर शर्मा ने कहा कि 1857 की क्रांति के बाद अगर पहला और आखिरी संघर्ष शुरू हुआ तो वह 9 अगस्त 1942 का दिन ही है, जब महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने का संदेश दिया। देश भर में महात्मा गांधी की बात को समर्थन किया गया। देश में क्रांति की ज्वाला धधकने लगी और आखिर में 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। 1857 के पश्चात भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे शुद्ध रूप में अगस्त क्रांति कहना चाहिए, ये वो मील का पत्थर है, ये वो रेखा है जिसने गांधी जी के नेतृत्व में भारतीयों में जोरदार राष्ट्र भावना का संचार किया और इस विशाल उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम समग्र भारत में जोश और दीवानगी से शहर से लेकर के गांव की ढाणी तक के नौजवानों ने इसमें भाग लिया और ठीक इस अगस्त क्रांति के 9 अगस्त के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत ने आज़ादी का
सूर्योदय का और हम अपने घर के मालिक बने। ये देन महात्मा गांधी की है जो एक महान युग पुरुष थे। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने कहा कि कांग्रेस कमजोर हो सकती है लेकिन खत्म नहीं हो सकती। यह तो विचारधारा है और कोई भी विचारधारा कभी खत्म नहीं हो सकती। फिर कांग्रेस तो देश का पर्याय है। देश की माटी में कांग्रेस के बलिदानों की गाथा महकती है। कांग्रेस ने देश को एक से बढ़कर एक नायक दिया है जिस पर पूरा देश गर्व करता है और दुनिया लोहा मानती है, चाहे वह पंडित नेहरू हों या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री हों या फिर लोह महिला इंदिरा गांधी और फिर हरदिल अजीज राजीव गांधी। 9 अगस्त 1942 को देश में भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज हुआ। आज 9 अगस्त क्रांति दिवस पे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार अंग्रेज भारत छोड़ो और कांग्रेस के इतिहास के ऊपर गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसके मुख्य वक्ता जो है आज NMPG कॉलेज के सेवानिवृत्त प्रोफेसर विद्यासागर जी थे। उसके अंदर विद्यासागर जी ने जो है 9 अगस्त 1942 के ऐतिहासिक महत्व और कांग्रेस के इतिहास के बारे में हम सब कांग्रेस जनों को विस्तृत रूप से जानकारी दी। समाचार अभी और भी अधिक करें दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न PG कॉलेज, अ प्लान फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे MSc, MA, BCA, BBA, BSc, BCom, BA। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं BBA की स्टूडेंट हूँ। मैंने BBA फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, फर्स्ट ईयर आई स्कोर्ड 80% मार्क्स एंड फॉर दिस आई वुड लाइक टू थैंक फॉर बेबी हैप्पी मॉडर्न PG कॉलेज। द एनवायरमेंट ऑफ दिस कॉलेज इज वेरी लर्निंग एंड आई हैव लर्न अ लॉट ऑफ ड्यूरिंग दिस 2 ईयर्स। कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। सहारा परिवार की ओर से मिलावट के खिलाफ जंग के लिए सहारा क्यू शॉप अब आपके शहर हनुमानगढ़ टाउन में रोमाना इंटरप्राइजेस पर खुल गया है, जहां पर आपको बिना मिलावट के शुद्ध व अच्छी क्वालिटी के उत्पाद मिलेंगे, जैसे देसी घी, आटा, चाय, चावल, चीनी आदि, किरियाना का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स व जनरल स्टोर का सामान भी मिलेगा। इसके अलावा रोमाना इंटरप्राइजेस में अमूल का आइसक्रीम पार्लर भी है। यहाँ पर अमूल के सभी प्रकार के उत्पाद जैसे आइसक्रीम, दूध, दही, पिज्जा आदि उपलब्ध है। रोमाना इंटरप्राइजेस की अन्य ब्रांचें रोमाना बिल्डिंग मटेरियल और रोमाना प्रॉपर्टी एडवाइजर। संपर्क करें रोमाना टावर, रोमाना कॉलोनी, नजदीक मेजर सिनेमा, हनुमानगढ़ टाउन। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED LCD उपलब्ध है। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सैमसंग, कैल्विनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहां पर LED, LCD TV, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। डीजी वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम उपलब्ध है, जिसमें विशेष रूप में कॉपर वाइंडिंग के AC और हार्ड पैनल की बढ़िया LED उपलब्ध है। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने। अगर कोई आपसे फोन पर ATM का कोड नंबर पूछे तो अलर्ट हो जाइए, आपके साथ धोखा संभव है। इन दिनों साइबर क्राइम के मामले बढ़ रहे हैं। हनुमानगढ़ टाउन में एक मामला सामने आया है, पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
हनुमानगढ़ टाउन स्थित वार्ड नंबर 24 में सुमित्रा देवी अपने घरेलू कामकाज में मशगूल थी। अचानक मोबाइल फोन की घंटी बजी और सामने वाले ने खुद को बैंक का आदमी बताते हुए सूचना दी कि आपके एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया है, इसलिए अपना कोड नंबर बताओ। महिला ने बैंक कर्मी का नाम सुनकर चुपचाप कोड बता दिया। थोड़ी देर बाद मोबाइल पर मैसेज आया कि आपके अकाउंट से 27,104 रुपए निकल चुके हैं। मुझे फोन आया था परसों, उन्होंने कहा आप सुमित्रा जी बोल रहे हो क्या? मैंने कहा हाँ जी। वो कहता मैं बैंक से बोल रहा हूँ। तो बोलने लगा कि आपका एटीएम बंद होने जा रहा है और आप अपने एटीएम के नंबर मुझे बता दो, मिला लेते हैं। फिर मैंने एटीएम लिया और उनसे नंबर बताई। उन्होंने कहा हाँ जी ठीक है जी, आपका नंबर, खाता संख्या भी उसने मिला ली। फिर मैंने बता दी कि जी सेम है जी, खाता संख्या भी। फिर उन्होंने कहा कि आपका कोड बता दो। मैंने उनको अपना कोड बता दिया। कोड बताने के बाद उन्होंने कहा फ़ोन चालू रखो, फ़ोन मत बंद करना। मैंने फ़ोन चालू रखा, बंद नहीं किया। फिर उसके बाद उसने फ़ोन पे फिर बात की। उन्होंने कहा कि आपके पास एक मैसेज आएगा, उसमें कोड आएगा, जो नंबर आएगा वो मुझे बता दीजिए। मैंने वो नंबर उनको बता दिया। नंबर बताने के बाद मैसेज आया, उसमें पैसे जैसे निकाले गए हैं। पैसे निकालने के बाद फिर उन्होंने पूछा कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। मैंने कहा आपको मुझे नहीं पता मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं। वो कहने लगे कि आपको अपने अकाउंट का नंबर, ये पैसे नहीं पता आपको? मैंने कहा नहीं मेरे को नहीं पता, मेरे पैसे मेरे पति ही निकालते थे। और फिर उन्होंने कहा कि आप फ़ोन चालू रखिए, आपको काम करना है तो कर सकते हैं। फिर मुझे शक हुआ, फिर मैंने फ़ोन काट दिया। काट के अपने बड़े भाई साहब से बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने काटने से पहले ही दोबारा फ़ोन कर दिया। फिर मैंने फ़ोन काटा, उनसे बात की, उसके बाद देखा तो मैसेज आ रहे थे, उसमें पैसे निकाले जा रहे थे। कितने पैसे निकले? पैसे 27,000 निकले। सुमित्रा देवी ने आप बीती अपने जेठ के बेटे को सुनाई। उसने जाकर बैंक से संपर्क किया तो सारी हकीकत सामने आ गई। उसने तत्काल बची हुई राशि भी निकाल ली और पुलिस को शिकायत की। उस टाइम मेरे पास बड़े भाई साहब का लड़का आया, उसको मैंने दिखाया इसमें क्या हो रहा है। तो उसने कहा चाची जी आपके पैसे एटीएम से निकले जा रहे हैं। फिर उन्होंने फटाफट जाके एटीएम से जो पैसे बाकी थे वो निकाले और घर आ गया वो। तो इसमें मैंने कार्रवाई की और बैंक मैनेजर के पास गया, तो उन्होंने मेरे को सारी डेट लिस्ट दे दी। तो वो लेने के बाद में मैं थाने के अंदर गया, पुलिस के सामने पेश भी हुआ, उन्होंने मेरी रिपोर्ट दर्ज कर ली, लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है सर। पुलिस थाना में पीड़ित पक्ष को अधिक तवज्जो नहीं मिली। पुलिस कर्मियों ने दो टुक कह दिया कि इस तरह के मामले खूब आते हैं, लेकिन होना जाना कुछ भी नहीं, इसलिए चुपचाप रहने में ही भलाई है। इसका कोई कुछ नहीं होगा सर, आगे ये पहले बहुत से केस आ चुके हैं, आपका भी कुछ नहीं होगा, ये मेरे को संतोषजनक उन्होंने जवाब दिया और इससे मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ सर, इसलिए मैंने आपको संपर्क किया सर। हनुमानगढ़ के विधायक डॉक्टर राम प्रताप का कहना है कि ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान यानी RCT युवाओं और महिलाओं के लिए वरदान है। आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने में RCT की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। आपको बता दें कि विधायक डॉक्टर राम प्रताप 30 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर रहे थे। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान RCT के जंक्शन धान मंडी स्थित कार्यालय में समारोह हुआ। 30 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह में विधायक डॉक्टर राम प्रताप ने शिरकत की। विशिष्ट अतिथि के तौर पर नाबार्ड के DDM संजय मानदत्ता, डायरेक्टर RL चेनिया, अनुदेशक मुकेश गजरा, दुर्गा मेल इंदु वार्स, प्रशिक्षक विजय कौशिक, पूर्व पार्षद महादेव भार्गव, पार्षद देवेंद्र पारिक और भाजपा नेता किशन पुरोहित आदि ने शिरकत की। इस मौके पर 30 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने वालों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। विधायक डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि युवाओं और महिलाओं के लिए इस संस्था के महत्व को समझा जा सकता है। बढ़ती बेरोजगारी के बीच यह संस्था उन्हें न सिर्फ निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण प्रदान करती है, बल्कि लोन की सुविधा देकर स्वरोजगार की भी व्यवस्था करती है। ये RCT है, ये राजस्थान के युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए जो बेरोजगार हैं उनको प्रशिक्षित करके उनकी चॉइस के हिसाब से, चाहे आपके अलग अलग क्षेत्र हैं, इलेक्ट्रिसिटी का है और कंप्यूटर का है, दूसरे जो भी आयाम है उनमें जिनमें जिसकी दिलचस्पी है उस हिसाब से उनको ट्रेनिंग दे करके और उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए एक सबसे बड़ा ये बहुत ही मतलब अच्छा कार्यक्रम मैं कहूँगा इसको,
और जिसमें रहने की व्यवस्था और खाने की भोजन की सारी व्यवस्था है वो निःशुल्क है। और साथ में जब वो बच्चे बाहर जाकर के अपना काम शुरू करते हैं तो उसमें लोन वगैरह भी इनको दिया जाता है। इस तरीके से उसका उद्देश्य है वो बेरोजगार बच्चों को रोजगार दिलवाने का है। निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छा कार्यक्रम। युवाओं का कहना था कि संस्थान में अलग अलग विषयों को लेकर प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण हासिल कर उनकी जिंदगी संवर सकती है। जो है प्रशिक्षण दिया जाता है ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र से। इसके अंदर जो क्या इलेक्ट्रिशियन कोर्स है जो अभी 30 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अंदर होता है जो इलेक्ट्रिशियन से संबंधित प्रेस पंखा कोई मदानी और कूलर हुआ कोई इलेक्ट्रिशियन का जो भी सामग्री है उनके द्वारा देती है। और जो हमारे टीचर जी हैं विजय जी कौशिक सर और एक हमारी श्रीमती दुर्गा मिल जी ये हमें अच्छे प्रशिक्षण देती है जो मैं अच्छे टीचर है जो मैं शिक्षा दे रहे हैं यहाँ पे। तो ये फिटिंग के बारे में और दूसरा मदानी कूलर पंखा इन सभी के बारे में मैंने सीखा है और मैं इसके द्वारा मैं अपना धंधा शुरू कर सकता हूँ ताकि मैं जीवन के अंदर सफलता प्राप्त कर सकूँ तथा औरों को भी धंधा दे सकूँ। इलेक्ट्रीशियन का कोर्स है, एक महीने का कोर्स है जी। इसमें हम लाइट फिटिंग के बारे में और पंखा और कूलर प्रेस के बारे में सभी जानकारी दी उससे हमें अपना खुद का स्वरोजगार प्राप्त कर सके जी। RCT के माध्यम से यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के और शहरी क्षेत्र के युवक और युवतियों को यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें सिलाई ब्यूटी पार्लर इलेक्ट्रीशियन कंप्यूटर आदि की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अंदर मैंने यहाँ इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में 30 दिवस का इनको कोर्स करवाया है। हमारा उद्देश्य है कि ये इस तरह से काम सीख करके अपने पैरों पर खड़े हों, स्वावलंबी बने। कोर्स करने के बाद में इनको सर्टिफिकेट दिया जाता है और उसके माध्यम से SBJ बैंक के द्वारा इनको लोन भी उपलब्ध करवाया जाता है। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। सावन माह में शिव आराधना का अलग ही महत्व होता है। इसी के तहत रोडवेज डिपो स्थित ब्रह्माणी मंदिर में महीने भर से चल रही शिव पूजन आज हवन यज्ञ के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर रुद्राभिषेक किया गया और प्रसाद बांटा गया। रोडवेज डिपो स्थित ब्रह्माणी मंदिर में सावन माह के उपलक्ष्य में चल रही शिव आराधना आज हवन यज्ञ के साथ संपन्न हुई। ब्रह्माणी मंदिर में शिवरात्रि के दिन नर्मदा से लाए गए शिवलिंग की स्थापना की गई थी, जहां पहले सावन में महीने भर शिव भक्तों ने शिव की पूजा अर्चना की। शिव भक्तों का कहना था कि महीने भर से पूजा अर्चना कर परिवार व इलाके की सुख समृद्धि की कामना की गई है। इस दौरान कलयुग में दोष निवारण के लिए रुद्राभिषेक किया गया और हवन यज्ञ का आयोजन हुआ। शिव भक्तों में रुद्राक्ष बांटे गए, इस अवसर पर प्रसाद भी बांटा गया। 2071 सावन मास में भगवान शिव का जो सावन मास में पर्व होता है उस पे रोडवे डिपो के अंदर ब्रह्माणी माता के मंदिर में इस वर्ष शिवरात्रि के पावन अवसर पे नर्मदा से लाए हुए शिवलिंग की स्थापना हुई थी। उसके बाद सावन मास का ये पहला समय था कि यहाँ पर नित्य रोज एक परिवार से जोड़े सहित रुद्राभिषेक का कार्यक्रम चलाया। उसके बाद यहाँ पर इस सावन मास में महामृत्युंजय, ओम नमः शिवाय और मंगल शांति, राहु शांति, बृहस्पति और नौचंडी के पाठ विद्वानों विभिन्न विद्वानों द्वारा कराए गए। और मंदिर में पुजारी दिनेश जी, राकेश जी, दिनेश जी और चुरू से तारानगर सावा से भी कई ब्राह्मण आए थे जो विद्वान जिनके द्वारा ये कार्यक्रम संपन्न कराएगा। इसका मुख्य है कि भगवान शिव का रुद्राभिषेक से कलयुग में जो अनिष्ट ग्रह उसके दोष निवारण के लिए पूजन कराया जाता है। प्रत्येक परिवार को जोड़े सहित एक पूजन कराया गया, ठीक है। उसके बाद लोगों के अंदर धर्म की भावना फैले, भगवान शिव और शक्ति से संपूर्ण ब्राह्मण में विराजमान है और जो जो आदमी इनके शरण में रहता है फलता फूलता है, भगवान
की कृपा से, जैसे कहा गया शास्त्र में, रोग हरो दुख दर्द हरो नमामि भोले बाबा नमामि शंकर। तो मेरा तो हर बंदों से निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा धर्म की बेल बढ़ाएं, धर्म का अनुसरण करें, और हमारी इच्छा है कि भगवान की कृपा शिव की रहे तो हम प्रतिवर्ष इस तरह का आयोजन करते रहें। हमारे पूर्ण श्रावण मास का आज अंतिम दिन जैसे था, कल श्रावणी का कार्यक्रम है, उसके बाद आज जो रुद्राभिषेक कराया गया सभी लोगों द्वारा, फिर हवन यज्ञ कराया गया, उसके बाद भोजन वगैरह प्रसाद वितरण किया, उसके बाद कुछ रुद्राक्ष के फल हैं जगत कल्याण के लिए प्रसाद में वितरण किए जाएंगे। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए, रोजाना देखते रहिए समाचार, नमस्कार।